नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोशु विज्ञान में। एंड इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे ये आज हमारा फोर्थ सेशन है, फोर्थ वीडियो है। एंड आज हम बात करेंगे प्लेन नंबर टू की। लोशु ग्रिड का जो सेकंड प्लेन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लोशु ग्रिड का जो सेकंड प्लेन होता है वो होता है विल पावर प्लेन। ओके, विल पावर प्लेन मतलब इच्छा शक्ति वाला प्लेन। ठीक है, तो जिस भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये तीनों नंबर प्रेजेंट हो, 9, 5 एंड 1, ओके, वर्टिकल में 9, 5 एंड 1, अगर ये तीनों नंबर किसी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रेजेंट हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ओके, एंड इसके क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। और मैं वापस एक बार बता दूँ, हर एक बॉक्स की परसेंटेज होती है 33%, 33%, 33%, 33%। ओके, सो अगर ये तीनों नंबर प्रेजेंट हैं तो ये एक बहुत स्ट्रांग प्लेन माना जाता है। जितने नंबर मिसिंग होंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 मिसिंग है, ठीक है, ऊपर सिर्फ 9 एंड 5 है, तो ये थोड़ा सा वीक प्लेन हो जाता है। अगर 2 नंबर मिसिंग हो गए, 2 कॉलम ब्लैंक हो गए, तो ये और भी ज़्यादा वीक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छा प्लेन होने के लिए सारे नंबरों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसी से ये प्लेन कंप्लीट होते हैं एंड तभी अच्छे रिजल्ट देते हैं। ओके, सो विल पावर प्लेन की बात करते हैं। विल पावर प्लेन में जो प्लस पॉइंट्स होते हैं वो ये है कि ये ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये तीनों नंबर प्रेजेंट हो वर्टिकली 9, 5 एंड 1 इनके लोशु ग्रेड में, इनकी सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बताया, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अपनी लाइफ में ये लोग कुछ भी करना चाहें तो अचीव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी इच्छा शक्ति का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इनकी लाइफ में कुछ हर्डल्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उससे भी ये निकल सकते हैं, ईजिली निकल सकते हैं, क्योंकि इनके पास भगवान ने इनको सबसे बड़ी शक्ति दी है, विल पावर। और जिसके पास विल पावर है वो कुछ भी कर सकता है। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे देश के सबसे बड़े लोगों में कुछ यू नो नाम है, मुकेश अम्बानी जी, नीता अम्बानी, अनिल अम्बानी, राकेश झुनझुनवाला जी, आनंद पिरामल, सोनिया गांधी, इन सभी के लोशो ग्रिड में 9, 5, 1 का चार्ट कंप्लीट है। इन सभी का विल पावर प्लेन कंप्लीट है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, मैंने तो कुछ ही नाम लिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जिनके लोशो ग्रिड में 9, 5, 1 कंप्लीट है। ऐसा अक्सर देखा गया, जिनके पास 9, 5, 1 कंप्लीट है वो ज़्यादातर केसेज में सक्सेसफुल होते ही होते हैं। ठीक है, और जो लोग नहीं होते हैं उनमें अगर कुछ अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, वो लोग ज़्यादा डाउन भी नहीं मिलेंगे आपको, मतलब एक एवरेज में मिल जाएंगे पर डाउन नहीं मिलेंगे आपको। जैसे कई लोग होते हैं जो लाइफ में बिल्कुल ही यू नो अनसक्सेसफुल हो गए, अपने लाइफ से यू नो सेटिस्फाइड नहीं है, बट ये लोग जिनके पास 9, 5, 1 है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया ये लोग या तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, और अगर किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं भी हैं तो डाउन नहीं होंगे, मतलब एक अच्छी लाइफ फिर भी जी रहे होंगे किसी ना किसी तरह से। ठीक है, सो ये इनकी बात है। ये लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं लाइफ में। इनके अंदर डिटर्मिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। ये अगर कुछ चीज़ को डिसाइड कर ले कि ये मुझे अचीव करना है, जैसे विल पावर की बात मैंने कही, विल पावर वही हो गया कि जो भी चीज़ें डिसाइड कर ले, निश्चित कर ले कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो ये ईजिली अचीव कर लेंगे, सिर्फ इनको सोचने भर की देरी है। ठीक है, ये एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हैं। ओके, ये एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग, इनके अंदर ह्यूमैनिटी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे मुकेश अम्बानी जी को देख लीजिए, अगर कभी आपने मुकेश अम्बानी जी को सुना हो, उनके कुछ यू नो वीडियोस मैंने देखे हैं, अगर उनको कभी सुना हो, ही इज़ वेरी पोलाइट। इवन नीता अम्बानी जी को अगर आप सुनेंगे तो शी इज़ वेरी पोलाइट। एंड ये लोग यू नो ह्यूमैनिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। एंड इनके इनके इनका जो माइंड होता है, इट इज़ वेरी शार्प, ये भी बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। पर कंडीशन वही है कि विल पावर प्लेन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नंबर मिसिंग है और आप उसी को समझ लें कि ये सारी खूबियाँ उनके अंदर भी होंगी, नहीं। जिनका 9, 5, 1 कंप्लीट आ रहा है चार्ट के अंदर, ये सब उनके लिए है। तो शार्प माइंड होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक छोटा सा माइनस पॉइंट है इनका, बस एक ही माइनस पॉइंट देखने को मिलता है इनमें थोड़ा सा, कभी कभी ये थोड़े से रिजिड हो जाते हैं। अगर एक बार जो चीज़ बोल दी तो फिर उसे उसी तरह से करेंगे, चाहे आप उनको कितना भी सजेस्ट कर लीजिए, अगर अपनी बात पे अड़ गए तो अड़ गए, तो ये रिजिड हो जाते हैं थोड़ा सा। तो इनका बस यही एक छोटा सा ड्रॉबैक है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा प्लेन है। और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग जो हैं, जैसे मैंने कुछ नाम दिए अभी वीडियो में, ठीक है, ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में 9, 5, 1 का योग है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेकेंड प्लेन जो कि विल पावर प्लेन था। इसके बारे में आज इतना ही।
थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें जब जब कोई नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू।